देखिए आज हम लोग कल हम लोग अनुवाद बनाने के लिए जो रूल था वो सीखे थे, और लकार कितने लकार पढ़ना था वो हम लोग पढ़े थे। कि क्योंकि लकार ऐसे 10 पढ़ना है, तो हम लोग को मुख्य रूप से 5 पढ़ना था। लट लकार, लंग लकार, लीट लकार, विधि लिंग लकार, ये 5 लकार हम लोग को पढ़ना था। पांचों लिखवाए थे पिछले क्लास में, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये आज पढ़ना हम लोग को जो मेन सूत्र होता है अनुवाद बनाने के लिए, मेन सूत्र होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान काल में पट धातु के रूप जो लट लकार है वो वर्तमान काल रहता है, वर्तमान काल के लिए है ये। वर्तमान काल में जो काम होता है उसके बारे में पढ़ना। तो मेन सूत्र है, यही सूत्र अगर जो आपको याद रहेगा तो सभी अनुवाद और सभी धातु में, सभी रूप में, सभी रूप में बन जाएगा ये सूत्र। मेन सूत्र यही है। इसमें जो है प्रथम पुरुष है, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं। और तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सही, हिंदी में हम लोग के लिए दो ही वचन पढ़ना है, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में एक वचन बढ़ जाता है। तो वचन क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अभी यह समझते हैं कि प्रथम पुरुष में जो सूत्र होता है एक वचन में ती, ता, अंति, सी, था, आमी, आवा, आमा, ये मेन सूत्र है। जो सूत्र हम लोग कैसे प्रेजेंट निफ्टी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो ट्रांसलेशन बनाते हैं, उसी तरह इसमें भी बनता है अनुवाद। तो ये याद रखना, ती, ता, अंति, सी, था, आमी, आवा, आमा, ये मेन सूत्र याद रहेगा। तो अब देखेंगे इसको, पर सूत्र के बाद ये पर धातु में चलेंगे। प्रथम जो लकार है लट लकार, वर्तमान काल, तो वर्तमान काल में पर धातु पर उसी पर फॉलो कराएंगे। अगर जो पर धातु में चलेंगे वर्तमान काल में, तो इस पर देखिएगा कि ती है, तो एक वचन प्रथम पुरुष के एक वचन में ती है। इसमें देखेंगे पुरुष, प्रथम पुरुष के एक वचन में अगर जो पर धातु पर चलेंगे तब पठती, द्विवचन में पठत, तीसरा बहुवचन में आएंगे तो पठंती। उसी तरह सेट करना है इसमें, कह रहा कि पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, ये मेन सूत्र है, इसी पर फॉलो किए हैं। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जो आ है, ये वाला जो है ये अपने आप जो है छुप जाता है, लुप्त हो जाता है। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर ये पठत, पठंती है, और यहाँ पर अंती है। तो पाठा, ठा में क्या हो गया यहाँ पर आ, ये ठा और प्लस आ, ये मिल करके पूरा क्या बन गया है, ठा बन गया। तो यहाँ पर देखिए कि आ जो है अंति, इसमें आ क्या आकर के छुप गया है यहाँ पर। तो इसलिए अब इसको मेन याद रखना है, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठता, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। अब जो रूल होता है ये वर्तमान काल के, जैसे कि वह पढ़ता है, तो वह, और वह के क्या जो सूत्र होता है वो याद करेंगे। वह माने क्या होता है संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं, वे दोनों पढ़ता है, यानी कि वह दोनों देखेंगे तो कम वचन में आ गया। प्रथम पुरुष के द्विवचन में वे दोनों, यानी कि दो को बोध हो रहा, दो व्यक्ति का उसमें बोध हो रहा। वह पढ़ता है, एक व्यक्ति के यानी कि प्रथम पुरुष को एक वचन में वह पढ़ता है। तो यहाँ पर ये अब हम लोग सीखेंगे कि वाह, वाह का क्या होता है संस्कृत में अनुवाद, वे का क्या होता है, तुम का क्या होता है, तुम दोनों का क्या होता है, तुम सब के क्या होता है, इसके बारे में आप देखेंगे। देखिएगा ये पुरुष है, एक वचन है, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम में होता है, प्रथम पुरुष में एक वचन में सा, और सा मतलब क्या होता है वाह, सा मतलब क्या होता है वाह होता है। और सा, अब सा मतलब भी वाह होता है, सा मतलब भी वाह, ये सा मतलब क्या होता वह, और सा के मतलब भी सा मतलब भी वह। लेकिन इसको कहाँ पर यूज करेंगे और इसको कहाँ पर बनाना है हम लोग के, ये सा जो है स्त्रीलिंग के लिए है, किसके लिए, स्त्री, स्त्री शब्द के लिए सा यूज करेंगे, यूज करेंगे। और तत् जो है नपुंसक लिंग के लिए करेंगे, जैसे में पुस्तक, कलम, ये सब नपुंसक लिंग के लिए क्या यूज करेंगे, तत्। याद करना कि प्रथम पुरुष के एक वचन में साह, साह तत्, द्विवचन में वे दोनों के लिए तौ, ते, तो तौ जो तो होता है पुरुष के लिए,
और स्त्रीलिंग के लिए ते और पुल्लिंग के लिए ते दोनों के लिए सेम रहता है। बहुवचन में ते ता तानी वे सब, यानी कि बहुत सारे जितने सारे बैठे हैं बहुत सारे को बोध होता है, उसमें क्या होता है द्वि बहुवचन में जो ते ता तानी, और ते यूज करेंगे जो पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के लिए ता यूज करेंगे, और तानी तानी यानी नपुंसक लिंग के लिए, तब इसको याद करेंगे सह ताव ते त्वम युवाम युवम, यानी त्वम मतलब क्या होता है तुम, त्वम मतलब तुम होता है। एक मिनट अब समझिएगा फिर से, तो सह मतलब वह, सह मतलब स्त्रीलिंग वह होता, सह मतलब भी क्या होता है वह, ये देखिएगा वह, वह मतलब सा, ये हो गया पुल्लिंग के लिए और सा ये स्त्रीलिंग, स्त्री लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। तो यहां पर आप समझ गए होंगे आप कि सा कहां पर यूज करेंगे और सा कहां पर यूज करेंगे, तो सा होता है पुल्लिंग के लिए और सा स्त्रीलिंग के लिए, याद रखना। और कौन है ये प्रथम पुरुष के एक वचन में, क्योंकि एक का बोध होता है इसके लिए इसमें एक वचन में, द्विवचन में तो यानी कि दो, दोनों को दो का बोध, कहीं पर भी दो का बोध होगा तो द्विवचन में जाएगा और प्रथम पुरुष के द्विवचन में रहेगा, और बहुत सारे का बोध होगा ते के यूज करना है तो वे सब, वे सब मतलब बहुत सारे यहाँ पर वे सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे तो ते का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष में त्वम, त्वम मतलब क्या होता है तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यानी कि दो का बोध हो रहा है इसमें, तुम युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, युवा युवा मतलब तुम सब बहुत सारे, युवा मतलब तो युवाम कौन सा पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष कौन वचन में है ये बहुवचन में है। अब उत्तम पुरुष के देखेंगे, उत्तम मतलब मैं मतलब उत्तम हूँ है ना, उत्तम फिर इसमें है एक वचन के अहम, अहम मतलब मैं, अहम मतलब क्या होता है मैं, कहीं पर रहेगा कि मैं जाता हूं तो क्या हो, मैं का क्या होगा अहम होगा। द्विवचन में, द्विवचन में क्या अवाम, अवाम मतलब हम दोनों, अवाम मतलब क्या होता है हम दोनों, कहीं पर भी दो का बोध हो रहा है, दो व्यक्ति का बोध हो रहा हो तो अवाम होगा हम दोनों, तो हम दोनों मतलब क्या होगा हम दोनों को अवाम होता है, हम दोनों का अवाम जो क्या है उत्तम पुरुष के द्विवचन में। और बहुवचन के, बहु उत्तम पुरुष के बहुवचन में हम सब यानी बहुत सारे के, तो क्या होगा वयम, हम सब वयम। अब इस पर बना करके हम लोग देखते हैं अनुवाद कैसे बनता है। पहले देखेंगे कि एक वचन सा, ये प्रथम पुरुष के एक वचन में सा, वह पढ़ता है यानी कि पढ़ धातु के लट लगा के वर्तमान काल में, वर्तमान काल में वो पढ़ रहा है यानी कि पढ़ने का बोध हो रहा है उसमें, क्या चीज का हो रहा पढ़ने का बोध उसमें हो रहा, तब देखेंगे कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है कैसे बनेगा। तो वह पहले तो देखेंगे इसको पुरुष देखेंगे कौन सा पुरुष के है, तो प्रथम पुरुष के है, प्रथम पुरुष के है, प्रथम पुरुष के देखेंगे उसमें पढ़ता है कोई एक ही पढ़ रहा है कि वो बोध रहा है वह पढ़ता है, तो देखेंगे प्रथम पुरुष के इसमें तो सा, वह का मतलब क्या होता है सा, और ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना, तो ये देखना, तो इसमें पुल्लिंग का बोध वह पढ़ता है, तब पाठ मैंने क्या लिखा है पढ़ धातु, ती इसमें ती ता अंति, इसमें पढ़ धातु क्या पठती पठता पठंती, एक वचन में क्या है प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है तब पठंती पठती पठती, ये बन गया वह पढ़ता है सा पठती, वह पढ़ता है सा पठती बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे द्विवचन में, कह रहा कि वे दोनों पढ़ता है, वे दोनों पढ़ता है, वे दोनों क्या लिखा है वे दोनों मतलब कि क्या प्रथम पुरुष के द्विवचन में आ रहा, प्रथम पुरुष के द्विवचन में आ रहा वे दोनों, दो को बोध हो रहा, तब प्रथम पुरुष के वे दोनों क्या लिखे हैं तो वे दोनों पढ़ रहा, यानी कि वे दोनों को हो गया तो, यानी कि प्रथम पुरुष के द्विवचन में तब दोनों वचन के लिख दिए तो हो गया वे दोनों के, लेकिन पढ़ता है, पढ़ता क्या होगा द्विवचन में पठत पढ़ता पठता पठता, द्विवचन में क्या है पढ़ता, देखिए यहां से मेन सूत्र है ती ता अंति सी था तब पठती, इसमें क्या प
पठती पठता पठंती, ये क्या हो गया पठता पठता, ये बन गया। अब देखेंगे बहुवचन में, प्रथम पुरुष के बहुवचन में वे सब पढ़ते हैं, यानी कि वे सब के क्या लिखे ते, तो वे सब के क्या हुआ ते, ते हो गया वे सब का, वे सब पढ़ते हैं, वे सब का ते, सब पढ़ता है, सब पढ़ता है, यानी कि बहुवचन के वे सब पढ़ता है, तब पठती पठत पठता पठंती, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पठंती। ये बन गया यहाँ पर अनुवाद, प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन ये तीनों हम लोग बना लिए, ऐसा ही अनुवाद बनेगा। अब आगे देखेंगे मध्यम पुरुष के, तो मध्यम पुरुष में क्या है पठसी पठता पठत, कारण मध्यम पुरुष में तुम का होता है क्या त्वम, तुम दोनों यानी कि दो को बोल रहा तो युवाम, तुम सब यानी कि उसमें बहुत सारे के बोध हो रहा है तो क्या होगा युवाम, कारण तुम पढ़ते हो, क्या बोल रहा तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो तो पहले तो देखेंगे पुरुष कौन सा पुरुष का है, तो ये मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष के है, तो तुम का क्या हो गया, तुम का हो जाएगा यहाँ पर त्वम। आवे जी सर पंक्ति के तुम सब पढ़ते हो त्वम, त्वम हो गया, तुम का क्या हो गया त्वम, आगे है क्या इसमें प्रथम पुरुष के तो क्या है त्वम हो गया, यहाँ पर लेंगे पठसी तो त्वम पठसी, त्वम पठसी ये बन गया। अब आगे देखेंगे मध्यम पुरुष के द्विवचन में, मध्यम पुरुष के द्विवचन तुम दोनों पढ़ते हो, क्या बोले यहाँ पर तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों पढ़ते हो तो तुम दोनों को क्या लिखा है तुम दोनों, यानी कि युवाम, क्या हो जाएगा यहाँ पर युवाम, यू वाम यू वाम यू वाम। आप देखेंगे यू वाम तुम दोनों के लिए यूज कर लिए, तुम दोनों के लिए क्या है यू वाम है, तुम दोनों के लिए यू वाम है, यही कारण है तुम दोनों को मध्यम पुरुष के द्विवचन में तुम दोनों दो को बोल रहा तो क्या पठथा पठथा, ये बन गया तुम दोनों पढ़ते हो पठथा। अब आगे देखिएगा मध्यम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन, कह रहा तुम सब पढ़ते हो, सब मतलब बहुत सारे आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इसके बहुत सारे के बोध हो रहा है तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब, तुम देखेंगे कौन सा पुरुष के, तो मध्यम पुरुष के, मध्यम पुरुष के बहुवचन में तो तुम सब युवम, तुम मतलब क्या होता है युवम, सब के युवम युवम। अगर सब पढ़ते हो नहीं बहुत सारा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा पठसी पठथा पठत, तो कहते युवम पठत युवम पठत, ये बन गया। अब यहां से देखिए उत्तम पुरुष में तेरा मैं पढ़ता हूं, क्या लिखेंगे यहां पर मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं ते क्या बनेगा मैं पढ़ता हूं, तो मैं के क्या है ठीक है, यहां तक एक वचन प्रथम पुरुष के, एक प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन के हम लोग तीन को बना लिए, मध्यम पुरुष के पठसी पठता पठत, ये द्विवचन मध्यम पुरुष वाला एक वचन द्विवचन और बहुवचन हम लोग बना लिए। अब देखेंगे उत्तम पुरुष के एक वचन द्विवचन और बहुवचन का एग्जाम्पल देखेंगे, ये सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा ये जो है मैं पढ़ता हूं कर मैं, अब देखेंगे वचन पहले प्रथम पुरुष देखेंगे, ये पुरुष है इसमें उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष में मैं और कौन सा वचन में आता है, तो एक वचन में है उत्तम पुरुष के, तो मैं के क्या लिखा है अहम, मैं के क्या लिखा है अहम अहम। अब पढ़ता हूँ यानी कि ये पढ़ धातु में चलेंगे तो उत्तम पुरुष में एक वचन में पठा भी होता है, क्या होता है अहम, मैं का क्या होता है अहम, लेकिन उत्तम पुरुष के एक वचन क्या होगा पढ़ता के
पठामी, तो क्या अहम पठामी, ये बन गया एक वचन में। अगर दूसरा द्विवचन में लिखते हैं उत्तम पुरुष के एक वचन के बना द्विवचन में देखे बना करके, यानी कि दो का उसमें बोध होगा। तो कह रहा कि इसमें हम दोनों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों क्या है, ये देखेंगे कि उत्तम पुरुष की द्विवचन का, उत्तम पुरुष का द्विवचन, हम दोनों क्या लिखा है संस्कृत में, हम दोनों का आवाम होता है, क्या होता है आवाम, हम दोनों का क्या हो गया आवाम। अब कह रहा कि ये तो था क्या जी वचन में हम दोनों का संस्कृत में आवाम, लेकिन देखेंगे पर धातु में उत्तम पुरुष के द्विवचन में आवाम के जगह पर क्या, ये जो पढ़ने के जगह पर क्या हो जाएगा पठावा, आवाम पठावा, आवाम पठावा। अब बहुवचन में चलेंगे, कह रहा कि बहुवचन में हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब के क्या होगा, हम सब देखेंगे कि उत्तम पुरुष के बहुवचन में है हम सब, यानी बहुत सारे के बोध हो रहा है इसमें, तो हम सब, तो हम सब के व्यम होता है, हम सब के क्या होता है व्यम, हम सब के क्या हो गया व्यम। अब यहां पर देखेंगे पट धातु में, पट धातु में क्या होता है पठामा, व्यम पठामा, व्यम पठामा। अब तीनों लकार इसमें से जो लट लगा प्रथम धातु लट लकार में था, इसमें से तीन पुरुष और तीन वचन, टोटल तीन तीन नौ हम लोग पढ़ लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। मेन सूत्र का ती ता अंति सी था आमी आवा आमा, इसी पर फॉलो किया यहाँ पर पढ़ धातु में, मेन सूत्र ये है। अब देखिए यहाँ पर ती ता, तब पाठ धातु ने पढ़ना, तब पाठती, देखिएगा यहाँ पर ती है पाठती, ता पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। अब इस पर अगर जो गच्छ धातु में चलेंगे तो यही हो जाएगा, सिर्फ गच्छती गच्छता गच्छंती, गच्छसी गच्छता गच्छत, गच्छामी गच्छावा गच्छामा। लिख धातु में चलेंगे तो लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखता लिखत, लिखामी लिखावा लिखामा, इसी तरह और आगे बनेगा सब। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। बाकी जो आपको भाई बहन है टेंथ क्लास की एग्जाम दे रहे हैं, इसमें से सही पांचों लकार से आठ को आठ नंबर का पूछता है, क्योंकि ये अगर जो नहीं पढ़िएगा और नहीं समझिएगा अभी तो आठ नंबर आपको छूट जाएगा। इसलिए अपने भाई और बहन दोस्तों को भेजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि उनको वो भी जो संस्कृत अनुवाद बनाने से ना चुके, क्योंकि उनको नंबर ना छूटे, इसलिए आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट कर दिएगा तो हमको समझ में आया कि हाँ वीडियो अच्छा लगा और बनाने की कोशिश करेंगे अच्छा से। थैंक यू, जय हिंद।